मुर्गियों के मास्टर केज में ये देखें कौन आ गया है। आपका क्या नाम है? इसका नाम है यागो। यागो बोलें, बोलना नहीं, आपको सब फ्रेंड देख रहे हैं, बोलें। इसको इधर बिठाता हूँ तो मसाइयों ने मुझे कुछ दिया है, वो देखते हैं क्या दिया है उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? आपको कुछ नज़र आ रहा है? आएगा, नज़र आ रहा है, आ रहा है, नज़र आ रहा है। ये है हमारे फैमिली का हिस्सा है, ये भी, ये घर में नीचे होता है। तो मैं बार बार सोच रहा था आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि यार मेरे पास ये पैरट भी है। ये इसको मैं छोटा सारा तकरीबन मेरे ख्याल से 5 से 6 दिन का था। इसको अभी बाल भी नहीं आए हुए थे, इसको हैंड फीड करवा के ना बड़ा किया हुआ है। तो बातें करता है तकरीबन 4-5 कुछ लफ्ज़ बोलता है, सीटियाँ मारता है, अल्लाहू भी पढ़ता है, लेकिन आपके सामने अभी बहुत चुप किया हुआ है। मियाँ मिठू, अल्लाहू अल्लाहू, इसको पता चल जाता है कि कैमरा है, कैमरे के सामने शर्माता है थोड़ा। बाकी अगर ये केज में हो ना तो बहुत बातें करता है, किसी बच्चे को देख ले तब भी बातें करते हैं। अगर वो क्या कहते हैं बैल बजे ना बाहर की ढोल की, तो यार बोलता है, कहता है दरवाज़ा खोलो जाके, मसलन के कहता है कि कौन कौन, इस तरह की आवाज़ें निकालता है। बाकी ये देखें माशाल्लाह बहुत प्यारा है। अच्छा यार, मैं किसी से ये पूछना था कि ये अगर मैं इसके साथ मैं फ़ीमेल लगाता हूँ, अगर किसी भाई को एक्सपीरियंस हो, अगर इसके साथ मैं फ़ीमेल लगाता हूँ तो ब्रीडिंग करेगा कि नहीं करेगा? ये तकरीबन 2 से 2.5 मसें के तकरीबन 3 साल का हो गया है, 3 साल के पास पास है। काफ़ी देर का ये नीचे था, मैं सोचा कि अपने फ्रेंड को दिखाऊं कि यार मेरे पास ये भी क्या कहते हैं पेट है, कि ये भी मैंने परिंदा रखा हुआ है, बहुत ही कमाल का है, बहुत ही मज़े का है। अभी काटता कूटता नहीं है क्योंकि ये है खुद मैंने पाला हुआ ना। ये फ़ीमेल के पास बहुत क्लोज होता है, अक्सर आपने देखा होगा जो उनसे पैरेट होते हैं, जो फ़ीमेल होती है वो क्या कहते हैं मेल के पास ज़्यादा क्लोज़ होती है, जो सा मेल होता है ना वो फ़ीमेल के साथ ज़्यादा क्लोज़ होता है। तो बाकी ये देखे मेरी मुर्गी हैं, और चूज़ों को मैं खोलता हूँ। चूज़ें भी बार बार कह रहे हैं हम इधर आना चाहते हैं, तो चूज़ों को भी खोलते हैं अपने चिंटू मिंटों को। चिंटू मिंटों के लिए मैंने थोड़ा सारा रास्ता बनाया है इधर, पहले कुछ ऊंचाई थी तो मैंने ख़त्म कर दी है। चिंटू मिंटू ने बाजरा तो खाया ही नहीं है, बाकी चिंटू मिंटू सब बाहर निकल गए। तो ये आप इसको पास से देख सकते हैं, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है ये मेल है, मेल। इसको इधर बिठाता हूँ तो मसाइयों ने मुझे कुछ दिया है, वो देखते हैं क्या दिया है उन्होंने। बाहर जाके मैं देखता हूँ क्या दिया है। इधर शॉपर देख गए हैं अभी अभी, तो देखते हैं इनके लिए क्या आया है। ये देखें इसमें क्या, ऐसा देखते हैं इसमें क्या है, क्या है इसमें है चावल। आजकल लगता है कुछ चावल ज़्यादा खा रहे हैं रमज़ान में, तो डालते हैं। चिंटू मिंटू भी देखें, चिंटू मिंटू कहाँ जा के खा पी रहे हैं, चिंटू मिंटू की तो मौजें लगी हुई हैं। चिंटू मिंटू तो यार बहुत ही इंजॉय करते हैं, उनको तो आजकल बहुत ही खुला मिलता है। अभी मैं सोच रहा हूँ इसको इधर रख देता हूँ, काफ़ी पहले ज़्यादा इसके अंदर रोटियाँ छोटियाँ चिंटू मिंटू वो खा लें, और मुर्गियाँ भी अगर खाना चाहती हैं तो खा लें। मुर्गियाँ इतनी की कंजूस हैं, वो अंदर पड़ा हुआ है वो नहीं खा रही, ये मैं लेके आया हूँ इसके पीछे पड़ गई हैं। नहीं 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 अभी नहीं मैंने देना, पहले ये फिनिश करें आपसे, तो अच्छे मेरे चिंटू मिंटू हैं इधर आके फिनिश कर लेते हैं। चलो उधर हो जाओ, चलो। माशाल्लाह पोर तो इसकी माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा हुई हुई है, तो फिर चलते हैं बाहर की तरफ जा के देखते हैं। यार मैंने इसको क्या कहते हैं मुर्गी एक को मैंने बैठा दी है, मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी इधर नहीं मैंने बैठाया, मैंने नीचे बैठाया ये मुर्गी, फिर जाके इधर बैठ गई। इसको अभी मैंने पानी इतना फेंका है, यार कितने दिन फेंकना चाहिए मुझे लाजमी बताना, कितने दिन पानी फेंकना चाहिए? अभी के लिए यार सिर्फ इतना ही काफ़ी है, मैं सिर्फ इसको ऊपर लेके आया था, मैं सोचा कि आपको भी मैं दिखा देता हूँ कि मेरे पास पैरेट भी है। ये काफ़ी देर का है, तकरीबन 3 साल हो गया मैं नीचे रखा था, तो आज इसको मैं धूप लगवाने के लिए ऊपर लेके आया हूँ। इसको मैं थोड़ा सारा शावर किया था, तो नहलाया था, शावर से इसको मैं नहलाता हूँ। तो मैं कहा यार ऊपर आके थोड़ा घबरा गया है, आप देख सकते हैं ना, तो वो परेशान हो गए, इधर चूज़े भी हैं, मुर्गी भी हैं, तो ऊपर परिंदे कभी कभी आता है ना, 1 मंथ में 1 बार मैं इनको लेके आता हूँ, तो इसका पता कोई नहीं है, पाड़े भी इसके बड़े हैं, इसलिए मैं इसके अंदर बैठा हुआ हूँ, तो किसी टाइम भी उड़ सकता है। मैं बाहर जब जाता हूँ ना इसको पकड़ के हाथ में लेके जाता हूँ। इस जानवर का कोई भरोसा भी नहीं है, ये वापस नहीं आ सकता, एक बार उड़ जाए तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन इतना इसको पता है कि हमारे पास रहेगा तो इसको सब कुछ मिलेगा। तो इसका नाम हमने यागो रखा हुआ है, इसको हम यागो नाम से बुलाते हैं। तो कैसा आपको मेरा पैरेट लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और आज के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ये वाली मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।